इस सॉलिड डिस्क का मास हमें गिवन है वन किलोग्राम और यहाँ पे इसका रेडियस हमें गिवन है टेन सेंटीमीटर ओके सो बच्चों दिस इज सॉलिड डिस्क और यहाँ पे इसका जो मास है बच्चों वो हमें वन किलोग्राम गिवन है और यहाँ पे इसका जो रेडियस है बच्चों वो हमें टेन सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे जो रोटेशन पर मिनट है एन वो है यहाँ पे हमारा कितने टू हंड्रेड फोर्टी आर पी एम यानी कि रोटेशन पर मिनट और वी कैन से रिवल्यूशन पर मिनट 240 rpm और बच्चों यहां पे हमें देखना है कि द टोर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 4 पाई रिवॉल्यूशन पे कितना होगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पे देखो बच्चों कि एक कंप्लीट रोटेशन में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल मूव करता है 2 पाई ओके सो 4 पाई रिवॉल्यूशन पे कितना हो जाएगा 4 पाई पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर के इक्वल ठीक है तो यहां से बच्चों हमारा जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 पाई स्क्वायर ठीक है, ये आ जाती है अब यहां से देखो बच्चों इनिशियली यहां यह है, बाद में जब हमने अप्लाई करा, तो इसको, इसको कर रहे हैं, है? तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. ओके, तो सिंपली यहां पे हम टोर कैलकुलेट करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों अपना टॉर इज टू होता है आई एल्फाइर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओके, okay. so, सो ये पे बच्चों अपना क्या है सॉलिड डेस्क है सो सॉलिड डेस्क का मोमेंट ऑफ होता है एम स्क्वायर, कितना होता है हाफ एम आर ओके, और यहां से बच्चों एल्फा देखो से कैलकुलेट करेंगे ओके okay. तो एल्फा के लिए यहां पे देखो हम क्या करेंगे एल्फा के लिए यहां पे हम इक्वेशन यूज करेंगे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा इनिशियल स्क्वायर और प्लस टू थीटा ओके रोटेशनल मोशन का जो थर्ड इक्वेशन होता है ओमेगा स्क्वायर 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 इज इज इक्वल इक्वल टू टू ओमेगा ओमेगा फाइनल फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा ओके सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाता है यहां से हमारा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू थीटा ओके okay, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों सो इज इक्वल टू कितना आएगा देखो आई की वैल्यू हो गई हाफ एम आर स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू हो गया ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ओके सो ओमेगा फाइनल क्या हो गया रेस्ट पर रोटेशन तो क्या हो जाएगा जीरो ओके रोटेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके okay, तो ये टर्म तो हो गया ओमेगा फाइनल तो हमारा जीरो होगा क्योंकि इसको स्टॉप कर रहे हैं टू so, हो जाएगा यहाँ से हमारा वन बाई टू एम आर ओके ये हो जाएगा और ओमेगा इनिशियल कितना आएगा यहाँ से हमारा इसको यहां से अगर सोल्व करेंगे ठीक है तो ये आ जाएगा देखो जीरो माइनस ऑफ ये हो जाएगा टू पाई एन ओके एन यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी है तो बच्चों यहाँ पे हमें रोटेशन पर मिनट पे गिवन है एन की वैल्यू बट हमें यहाँ पे इसको जो रिवोल्यूशन पर मिनट है बच्चों इसको मैं कैपिटल से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो है, ठीक है रोटेशन पर सेकेंड यहाँ पे हम देखेंगे तो पर सेकंड कितना हो जाएगा? 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो सिक्स जा 24 तो ये आ जाएगा रोटेशन पर सेकंड सो फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ से हमारा 4 ठीक है सो so, नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम डिवाइडेड बाय 2 थीटा तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखो टाउ 1/2 मास है यहाँ पे 1 और रेडियस है यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों 10 10 रे टू पावर -2 का होल स्क्वायर ओके okay, और यहाँ पे यह कितना आ जाएगा देखो टू पाई एन का हो जाएगा होल स्क्वायर ठीक है ओमेगा जो है यहाँ पे हमारा इनिशियली स्क्वायर है तो ये यह आ जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस आउट आ जाएगा ये आ जाएगा फोर ओके okay, पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू थीटा ओके सो वी वी टेक द मैग्नीट्यूड सो टाउ इक्वल टू टाउ माइनस साइन द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड टाओ Two, कितना था ही था देखो. So one, और इंटू में कितना एन स्क्वायर तो एन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टू और थीटा कितना आया था, था यहाँ पे रेवल्यूशन कितना था फोर पाई पे हमें स्टॉप करना है उसे तो फोर पाई पे थीटा की वैल्यू कितनी है एट पाई स्क्वायर तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा एट पाई स्क्वायर ओके तो यहां से देखो बच्चों इसको अगर हम करें इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से सो एट पाई स्क्वायर है तो एट पाई स्क्वायर से ये टू बार कैंसिल आउट फोर पाई स्क्वायर से ये टू बार कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है फोर पाई स्क्वायर से एट पाई स्क्वायर कितनी बार कैंसिल आउट होगा टू बार कैंसिल आउट होगा अब ये हो गया यहाँ पे हमारा टू टू जो फोर ओके सो नाउ इसको सिंपलीफाई करते हैं यहाँ पे देखो बच्चो यहाँ पे ये है हमारा हंड्रेड और टेन रेज टू पावर ये कितना है माइनस फोर है ठीक है और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा इन टू जा में टेन रेज टू पावर माइनस टू रह जाएंगे ऊपर ओके okay, और डिवाइडेड बाई यहाँ से हमारा कितना रह जाएगा ये देखो टू टू जाट ओके सो यहां से एट टू जा सिक्सटीन टाउ इज इक्वल टू कितना टू इंटू में टेन रेस टू पावर माइनस टू न्यूटन मीटर ओके तो बच्चों यहां पे हमें टोर्क देखना था कि कितना होगा जब इसको स्टॉप करेंगे पे पे तो करेगा के सो बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर